इतने सालों बाद भगवान ने मेरे गरीब घराने में खुशियाँ भेजी थी, लेकिन वो इतनी जल्दी हमसे ये खुशियाँ छीन लेगा, हमें ये नहीं पता था। मेरी नन्ही बच्ची के साथ ना जाने क्या हुआ है रघु। दिल छोटा मत करो रीमा बहन, आखिर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है, ये सब तुम्हारे नसीब में था। रीमा और रघु को गहरा सदमा पहुंचा था। दरअसल रघु बड़ा मेहनती मजदूर था, वो मजदूरी करके अपना घर चलाता था, लेकिन ये दिन उसके लिए बहुत खुशी का था। रीमा शेरनी ने एक प्यारी सी नन्ही बच्ची को जन्म दिया था जो बहुत सुंदर थी। तब अगले दिन रघु और रीमा के यहाँ एक पंडित जी आते हैं। तुम्हारी ये गरीबी खुशहाली और अमीरी में बदलने वाली है, रघु खुश हो जाओ, ये बच्ची कोई साधारण नहीं है, ये बहुत भाग्यशाली है। अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगा तो इस झोपड़ी की जगह यहाँ एक बहुत बड़ा आलीशान महल होगा। ऊपर वाले की कृपा से मेरे यहाँ बेटी का जन्म हुआ है पंडित जी, और अगर आपकी कही बातें सच हो गई तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन पंडित और रघु के बीच जो भी बातें हुई वो सब रघु के दोस्त गोपी ने सुन ली थी। तो इसका मतलब रघु की ये बेटी उसका भविष्य बदल देगी और मैं रह जाऊंगा वैसा का वैसा एक गरीब मजदूर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इसकी बेटी का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। तब अगले दिन रघु मजदूरी करने गया हुआ था और रीमा झोपड़ी के बाहर कुछ पत्थरों को बाहर निकाल रही थी। तब गोपी दबे पांव आया और चुपके से उसने उनकी बेटी को उठा लिया और वहाँ से बहुत तेजी से निकल गया। वो बहुत तेजी से नील नदी तक पहुँचा और बहुत ऊंचाई पर खड़ा होकर उसने रीमा और रघु की बेटी को नीचे नदी में फेंक दिया। इस नदी में गिरकर आज तक कोई भी नहीं बच पाया, अब जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। गोपी तेजी से वहाँ से आ गया। उधर रीमा शेरनी रोती और परेशान होती हुई रघु के पास गई, जहाँ रघु काम करता था। रघु, रघु हमारी बेटी वहाँ नहीं है। तब रघु रीमा को अलग लेकर जाता है। क्या हुआ रीमा, आराम से बताओ मुझे, कहाँ गई हमारी बेटी? तभी गोपी भी वहीं आ पहुँचता है। रघु दोस्त, मैं नील नदी के पुल से गुजर रहा था, तब मैंने देखा एक सुंदर सी सफेद रंग की बच्ची वहाँ पड़ी थी। तब मुझे याद आया तुम्हारे यहाँ भी कल एक बेटी का जन्म हुआ था, तो मैंने सोचा तुमसे एक बार पूछ लूँ, कहीं वो तुम्हारी ही बेटी तो नहीं है। जल्दी से चलो, उसे कुछ नहीं होगा। और तब वो तीनों वहीं नील नदी तक पहुँच जाते हैं, लेकिन तब वो वहाँ नहीं थी। हाँ भाई, मैंने यही देखी थी। नहीं, मेरी मासूम सी बच्ची इस नदी में नहीं डूब सकती। खुद को संभालो बहन, चलो रघु चलो, हमें यहाँ से चलना होगा। और इस तरह गोपी रघु और रीमा की बेटी को मारकर उन्हें ही दिलासा दे रहा था। रघु और रीमा को सब्र नहीं आ रहा था, लेकिन अपना पेट पालने के लिए जिंदगी के इस बड़े दुख से भी उन्होंने समझौता कर लिया था। अब ऐसे ही कई साल बीत गए, कड़ाके की ठंड आई, बर्फ पड़ने लगी। रघु के घर में खाने पीने की तंगी हो गई, क्योंकि ठंड और बर्फ के कारण काम करना मुश्किल था। और इसी ठंड में कांपता हुआ वीरू नाम का एक शेर इसी जंगल में आता है। इस ठंडी बर्फ के कारण मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, मैं एक मुसाफिर हूँ, क्या मुझे दो दिन के लिए इस घर में रहने के लिए जगह मिल सकती है? अरे इस ठंड में अपने परिवार को तो पालना मुश्किल हो रहा है, और फिर तुम जैसी हमारा जीना हराम करके रखते हैं। जाओ जाओ यहाँ से, यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारी। गौरव वहाँ से दूसरे घर जाता है, जहाँ एक गाय अपने बछड़े के साथ रहती थी। गाय बहन, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कृपा करके दो दिन के लिए मुझे अपने घर में जगह दे दो। देखो भाई, मेरा बछड़ा कभी कभी यहाँ पर अकेला भी रहता है, वो तुमसे डर जाएगा, ये रिस्क मैं नहीं ले सकती। तब वीरू मायूस होकर वहाँ से और आगे बढ़ता है। मैं जानता हूँ ठंड बहुत पड़ रही है, अपने ही परिवार को पालना मुश्किल है, लेकिन मैं दो दिन के लिए यहाँ रुकना चाहता हूँ। अरे बेटा आओ आओ, मेहमान तो ऊपर वाले का रूप होता है, आओ अंदर आ जाओ। जैसी रूखी सूखी हम खाते हैं,
वैसी ही तुम खा लो वीरू और यहाँ आराम से रहो। तब रीमा, रघु वीरू को भोजन कराते हैं। जब तुम इस झोपड़ी के द्वार पर आए, तुमने कहा था कड़ाके की ठंड में परिवार को पालना मुश्किल है, लेकिन हमारा परिवार तो हमारी बेटी से था, जो आज से 15 साल पहले हमें छोड़कर चली गई थी। मेरी बात से आपका दिल दुखा हो तो मुझे माफ करना, लेकिन उसके साथ हुआ क्या था? तब रीमा और रघु वीरू को सारी बात बताते हैं, कैसे उनकी 2 दिन की मासूम बच्ची उनसे जुदा हो गई थी। अब अगर मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुना दूं तो? अच्छी खबर सुनने के लिए तो हमारे कान तरस गए हैं, बोलो बेटा जल्दी बोलो। उस दिन मैं किसी काम से कश्ती से गुजर रहा था, तब मैंने दूर से देखा एक छोटी सी बच्ची पानी के तेज बहाव से मेरी ओर ही आ रही थी, तब मैंने उसे उठा लिया। किसी ने काम की तलाश में आया था और ये बच्ची मुझे मिल गई, और तब मैं उसे अस्पताल ले गया, वहाँ उसका इलाज हुआ और मैंने उसका नाम गीता रख दिया। कुछ दिनों बाद गीता ठीक हो गई और तब से मैंने ही उसे पाला। गीता बचपन से ही बहुत होशियार और बहादुर थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो पंडित जी ने तुम्हें बताया था कि उसके नसीब से तुम्हारा जीवन बदल सकता है। वो जैसी भी है हमारी बेटी है, हम उससे मिलना चाहते हैं। उसके पास ले चलो। बस मैं यही देखना चाहता था कि कहीं उसको लेकर तुम्हारे मन में कोई लालच तो नहीं है। ये कहते ही वीरू शेर एक विशाल पंखों वाले शेर में बदल जाता है। उस दिन तुम्हारी बेटी को नदी में फेंकने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा ही दोस्त गोपी था। रीमा, रघु, उस दिन भी मैं धरती पर किसी की मदद के लिए आया था, और आज भी इस सर्दी के मौसम में जानवरों को आजमाने आया था कि देखूं क्या कोई गरीबी और ठंड होने के बावजूद भी क्या किसी की मदद करता है। और तुमने मुझे ठहरने के लिए जगह दे दी, क्योंकि उन पंडित जी की बात सच होनी थी, तुम्हारी बेटी बहुत भाग्यशाली थी। जब वो 5 साल की थी तो मैं उसे ढेर सारा धन दौलत देकर चला गया था, लेकिन आज उसने अपनी मेहनत के दम पर खुद को इतना अमीर बना लिया कि वो यहाँ के हर जानवर की गरीबी को दूर कर सकती है। कल वो तुमसे मिलने आ रही है। ये कहकर विशाल पंखों वाला शेर वीरू वहाँ से अपनी आसमानी दुनिया में चला गया, और अगले दिन गीता अपने सिपाहियों के साथ अपने घर लौटती है और अपने माता पिता को पाकर बहुत खुश हो जाती है। रीमा और रघु भी गीता को गले से लगा लेते हैं, और फिर गीता की किस्मत से सब कुछ बदल जाता है। रीमा रघु की जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ब्रह्मांड पर बसा था महाशक्तिशाली एक परिवार, वो सब अलग अलग थे लेकिन फिर भी वो एक परिवार की तरह रहते थे। उनका लक्ष्य सिर्फ सच की विजेता देखना था। धरती पर आज तक इतना जुल्म कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। अकेला एक इंसान हो या फिर जानवर, वो सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, लेकिन हक के लिए खड़ा होना यही बहुत बड़ी बहादुरी है। हमें धरती पर उतरकर उसका साथ देना होगा। इतना सोचकर वो ताकतवर झुंड धरती पर उतर आता है और रमशा शेरनी के पास आते हैं। रमशा उन्हें देख थोड़ा घबरा जाती है। डरो नहीं, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुमने जो कदम उठाया है उसमें तुम हमें हमेशा अपने साथ पाओगी। मुझे डर है उन बहादुर सिपाहियों के साथ भी कहीं वो न हो जिस तरह उसने उन जिंदा जानवरों के दिल, किडनी और गुर्दे निकाल कर बेच दिए थे। क्या हुआ था आखिर रमशा के जंगल के जानवरों के साथ? रमशा के पिता भोपाल सिंह बहुत माल दौलत वाले थे, लेकिन वो हर दिन अपनी इस दौलत को बढ़ती देखना चाहते थे। भोपाल का एक बड़ा अस्पताल था जिसके अंदर गरीब जानवर अपना इलाज कराने आते थे, क्योंकि भोपाल के इस अस्पताल में दवाइयाँ और इलाज बहुत कम पैसों में होता था। लेकिन ये उसकी एक चाल थी, क्योंकि इन जानवरों से भोपाल खुफिया धंधा कर रहा था। वो इन जानवरों को कुछ रुपयों के बदले पास के एक राजा कालिया बाग को बेच देता था, और कालिया की नजर में रहम नाम का तो कोई मतलब ही नहीं था। वो इन जानवरों की दिल, किडनी और गुर्दे निकालकर दूसरे जंगल में दुगनी कीमत पर बेचता था।
उधर भोपाल की बेटी रमशा गर्भवती थी। वो अपने पति के साथ अपने हॉस्पिटल जा रही थी कि तभी वो दूर से देखती है कि दो सिपाही बग्गी में कुछ बीमार जानवरों को लेकर जा रहे थे। अरे सिपाहियों, तुम इन जानवरों को लेकर कहाँ जा रहे हो? रमशा कुछ नहीं, वो इन जानवरों का इलाज यहाँ मुश्किल है, इसीलिए इन्हें दूसरे जंगल अस्पताल में ले जाना पड़ रहा है। उस सिपाही की हिचकिचाहट से रमशा को उन सिपाहियों पर शक होता है, इसीलिए वो दोनों उनका पीछा करने लगते हैं और एक खुफिया जगह पर आकर रुक जाते हैं। क्या हुआ आज? इतना समय क्यों लग गया इन्हें लाने में? वो बस कुछ नहीं, रास्ते में कोई मिल गया था और बहुत सवाल कर रहा था, इसीलिए उसे चकमा देकर भेजना पड़ा। चलो चलो, कोई नहीं, अब जल्दी से इस रुपों की भरी बग्गी को लेकर यहाँ से निकल जाओ, जल्दी करो जल्दी। और तब वो सिपाही वहाँ से उस बग्गी को लेकर अपने जंगल की तरफ आते हैं और बाघ मानव उन जानवरों को लेकर अपने जंगल की तरफ बढ़ते हैं। ये तुम्हारे पिता क्या कर रहे हैं? वो इन मासूम जानवरों का सौदा करने पर उतर आए हैं, मैं इन सिपाहियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जज्बाती मत बनो, ये सब क्या चल रहा है इसके बारे में मैं पिताजी से बात करूंगी। तब रमशा अपने पिता भोपाल सिंह के पास आती है। ये सब क्या चल रहा है पिताजी, और कब से चल रहा है? क्या हुआ रमशा, किस तरह की बातें कर रही हो? मुझे सब पता चल चुका है, तुम मासूम गरीब जानवरों का मोल कर रहे हो। अगर तुम्हें पता चल चुका है तो तुम्हें मेरे रास्ते में आने की कोई जरूरत नहीं है। माफ करना पिताजी, अगर जुल्म भी आखिरी हद पर हो और करने वाला भी मेरा कोई अपना हो तो मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकती, और बात रही तुम्हारे रास्ते में आने की तो मैं ये हरगिज होने नहीं दूंगी। गुस्से से ये सब बोलकर रमशा अपने पति के पास आती है और उससे कहती है, सुनो, हमारा काम ज्यादा से ज्यादा जानवरों को बचाना है, हालांकि हम सबको नहीं बचा सकते, लेकिन अब हम हार नहीं मानेंगे। और रात में रमशा अपने पति के साथ अपने पिता के अस्पताल से सभी जानवरों को निकलवा लेती है और उन सबको लेकर एक खुफिया जगह पर पहुंच जाती है ताकि उसके पिता उनका सौदा ना कर सके। रमशा वहां उन्हीं के पास रहती है और उसका पति जंगल वापस आ जाता है। भोपाल जब अस्पताल जाकर देखता है वहां एक भी जानवर नहीं था। ये देखते ही भोपाल समझ गया कि उसकी बेटी ने वहां से उन सबको निकलवा लिया है। तब वो रमशा की गुफा पर जाता है, वहां रमशा नहीं थी। तुम दोनों ने मिलकर कहां छिपाया है उन जानवरों को, जल्दी से बताओ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम किन जानवरों की बात कर रहे हो? ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग मत करो, रमशा बहुत जज्बाती है, मैं जानता हूँ अस्पताल से उसने ही जानवरों को निकलवाया है। मुझे सब कुछ जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं बिल्कुल देर नहीं करूँगा तुम्हें मारने में। अब तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, जो तुम्हें करना है कर लो। तुम कुछ ज्यादा ही रहमदिल बन रहे हो, लेकिन अफसोस दूसरों को बचाने के चक्कर में तुम खुद को भी नहीं बचा पाओगे। भोपाल उस पर टूट पड़ा और उसका खून पी गया। उधर ठाकुर बाग को जब वो बीमार जानवर भी नहीं मिल रहे थे तो उसका धंधा भी कम हो रहा था और वो बेचैन हो रहा था। पूरे 2 दिन हो गए उसने एक भी जानवर नहीं भेजा, अगले 24 घंटे में अगर उसने कोई खबर नहीं दी तो मैं खुद अपने तरीके से जाकर उससे बात करूंगा। उधर कुछ देर बाद रमशा अपने पति से मिलने अपनी गुफा पर आती है, लेकिन उसकी सांसें खत्म हो चुकी थी। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? उन जानवरों को बचाने का फैसला मेरा था, लेकिन मेरे जालिम पिता ने ये क्या कर दिया? वो चाहते हैं तुम्हारे प्राण लेकर वो मुझे डरा देंगे और मैं पीछे हट जाऊंगी, लेकिन अब ये मेरा वादा है मुझसे, चाहे मेरे प्राण भी क्यों न चले जाए, लेकिन मैं उन जानवरों को किसी कीमत पर भी पिताजी को नहीं सौंपने वाली। और इधर कालिया बाग बहुत गुस्से से अपनी एक बड़ी सेना के साथ भोपाल की गुफा पर आता है। पिछले 4 दिन से मेरा धंधा चौपट हुआ पड़ा है सिर्फ तेरी वजह से, लेकिन अब मैं किसी बात का इंतजार नहीं करूंगा और तेरे जंगल के बहादुर ताकतवर सिपाहियों को ले जाऊंगा। चलो सिपाहियों, वो जहां भी मिले उठा लो उनको। और कालिया जंगल के बहादुर ताकतवर सिपाहियों को अपनी कैद में करके वहां से अपने जंगल ले जाता है, और इस तरह से वो हमारे जंगल के बहादुर सिपाहियों को भी यहाँ से उठा कर ले गया। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं उन्हें कैसे बचाऊंगी और वो कालिया
अगर उससे मेरे जंगल के जानवर बच भी गए तो वो अपना धंधा करने के लिए कहीं और के जानवरों को खरीदेगा। मुझे उसे हर हाल में रोकना होगा। देखो रमशा, हम ब्रह्मांड में रहने वाले प्राणी हैं और उस कालिए के जंगल में पहुंचने से पहले एक नदी पड़ती है। हमने अगर उसे पार किया तो हम भस्म हो जाएंगे, लेकिन हम हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। अब तुम्हें एक काम करना है, कालिया के जंगल से कोई ना कोई जानवर बाहर जरूर आता होगा। तुम्हें उसके साथ छिपकर उसके जंगल में दाखिल होना होगा और उन सिपाहियों को वहाँ से छिपकर बाहर निकालना होगा। तब रमशा कालिया के जंगल के बाहर झाड़ियों में छिपकर खड़ी हो जाती है। तब वो देखती है एक भालू बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर रोज जंगल में जाता है। तब अगले दिन जब वो भालू आता है तो वो छिपकर उससे मिलती है। तुम्हारे जंगल का राजा कालिया बड़ा जालिम है, उसने पहले हमारे जंगल के बीमार जानवरों के शरीर के अंगों को निकाल कर बेचा और अब उसने हमारे बहादुर सिपाहियों को भी पकड़ रखा है। रमशा ने शुरू से लेकर भालू को अपनी सारी दुर्घटना के बारे में बताया। तुम चिंता मत करो, उनको निकलवाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तब रमशा भालू की लकड़ियों से भरी बग्गी के बीच छिपकर कालिया के जंगल पहुँच जाती है और रात होने का इंतजार करती है। कालिया और उसके सिपाही सो जाते हैं। तब रमशा वहाँ पहुँचती है। साथियों मेरी बात ध्यान से सुनो, कल सुबह मैं तुम्हें यहाँ से एक भालू की लकड़ियों की बग्गी के बीच छिपाकर यहाँ से निकलवा लूंगी। हमारे पास ब्राह्मण से एक सेना हमारी मदद के लिए आई हुई है, तुम्हें सीधा जाकर उन तक पहुँचना है। लेकिन रमशा तुम यहाँ से कैसे निकलोगी? तुम मेरी चिंता मत करो, जैसे कैसे करके मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। और सुबह के समय जब कालिया और उसके सिपाही वहाँ नहीं थे, तब रमशा अपने सिपाहियों को भालू की लकड़ियों से भरी बग्गी के बीच उन्हें बैठा कर एक एक करके कालिया के जंगल से बाहर निकलवा देती है। लेकिन जब कालिया वापस आकर देखता है तो उनमें से एक भी सिपाही वहाँ नहीं था। ये देख कर कालिया का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। जासूस जो भी है वो यहाँ से निकल ना पाए, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी सात नस्लें भी याद रखेगी। तुम जाकर जंगल का द्वार बंद कर दो। रमशा को जब ये पता चलता है तो वो जंगल से निकलने के लिए तेजी से भागती है, लेकिन द्वार पर खड़े सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और उसे मुस्लिम बनाकर अपने महाराज कालिया के पास ले जाते हैं। तो वो गद्दार तू है, लेकिन तुझे शायद पता नहीं कि मैं अपने गुनाहगारों के साथ क्या करता हूँ। तुम चाहे मेरे खून की एक एक बूंद भी क्यों ना पी जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी आंखें खोल दूं कि ब्रह्मांड से इस जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए एक सेना उतर आई है। अंत में हार तुम्हारी ही होगी। अपनी झूठी कहानियाँ मुझे मत सुनाओ, मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। कालिया रमशा पर टूट पड़ा और उस गर्भवती रमशा ने अभी तक अपनी संतान को भी जन्म नहीं दिया था कि कालिया ने उसकी बोटी बोटी कर दी और ये खबर उन सारे सिपाहियों तक भी पहुंच जाती है। हमें बचाते बचाते रमशा शेरनी ने अपना पूरा परिवार खो दिया। इतने दिनों से वे अपनी संतान के दुनिया में आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उस जालिम कालिया ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। साथियों रमशा का परिवार जुल्म के खिलाफ लड़ता लड़ता मर गया। रमशा का बस एक ही सपना था कि वे अपनी आँखों से जुल्म का अंत होते देखे, और उसके सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। हम तुम सबको ऐसी ताकत देंगे जिससे तुम विशाल ताकत वाले शरीर को हासिल कर लोगे और उस कालिया को अपनी ताकत से कुचल डालोगे। तब ब्रह्मांड की वो सेना साधारण सिपाहियों को विशाल रूप देती है और वो विशाल शेरों की सेना कालिया पर हमला बोल देती है। विशाल शेर कालिया के सिपाहियों को भी खून से नहला देते हैं और रमशा का जुल्म के खिलाफ उठाया हुआ एक कदम आज जीत गया। ब्रह्मांड के सिपाही भी अपनी दुनिया में चले जाते हैं और रमशा के बहादुर सिपाही भोपाल सिंह को एक महीने के लिए सजा के तौर पर कैद कर देते हैं और जंगल की डोर को अब वो खुद संभालते हैं। आज 20 साल के बाद अपनी प्रजा के साथ लौट रहा था एक ऐसे महान बाप का बेटा जिसने अपने खून से लिखी थी ये कहानी जो आज फिर से शुरू होगी। रिश्तों के बीच जब दुश्मनी ने अपने पंजे गाड़ दिए और एक सच्चे राजा को मुंह के बल गिरा दिया गया, तब जन्म लिया एक सच्चे और महान राजा ने।
अपनी प्रजा के लिए डर को पीछे छोड़ाया। सिम्बा अपना कर्तव्य निभाने फिर से वापस लौट आया। सिम्बा के बीते बचपन में क्या हुआ था और आज से 20 वर्षों पहले क्यों चला गया था सिम्बा अपनी जन्मभूमि को छोड़कर, दोहराते हैं एक बार फिर से सिम्बा का बचपन और उसकी कहानी। सिम्बा के पिता बघीरा का जंगल जितना विशाल उतना ही खुशहाल था। एक बड़ी तादाद में बघीरा की प्रजा बघीरा को अपना भगवान मानती थी। जंगल का छोटा हो या बड़ा जानवर, बघीरा को देख इज्जत की निगाहों से अपना सर नीचे झुका लिया करता था। बड़ी प्रजा और जंगल का मालिक होने के बाद भी बघीरा अकेला था, क्योंकि अब तक उसकी कोई संतान नहीं थी। बघीरा का सगा भाई कांचा बघीरा के जिंदा रहते हुए कभी जंगल पर रास नहीं कर सकता था और बघीरा बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा था। और फिर उसके यहाँ एक नन्हे राजकुमार ने जन्म लिया, जो था बघीरा के जंगल का नया रक्षक। इधर बघीरा के जंगल को नया वारिस मिला, तो उधर बघीरा के सगे भाई ने हाथ मिला लिया था बघीरा के सबसे बड़े दुश्मन राधे चीता से। एक उम्र बीतने के बाद अब मैं राजा बनता, तो उधर उस बघीरा के बेटे सिम्बा ने जन्म ले लिया। मेरे सालों का सपना अधूरा रह गया। अगर बघीरा का नया वारिस जिंदा रहा तो मैं कभी राजा नहीं बन पाऊंगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चिंता मत करो कांचा, जल्द ही कुछ सोचते हैं। रिश्तों के बीच अब छिड़ गई थी राज गद्दी की जंग। उधर बघीरा अपने बेटे को जंगल का कर्तव्य सिखा रहा था। जहाँ तक ये रोशनी फैली है, ये सारी हुकूमत हमारी है। याद रखना, एक बादशाह की हुकूमत सुबह के सूरज की तरह चढ़ती और शाम के सूरज की तरह ढलती है। बेटा, एक दिन हमारी हुकूमत का सूरज भी ढलेगा और रोशन होगा तुम्हारी हुकूमत से। तुम्हें ये हुकूमत समझदारी से संभालनी होगी। बघीरा सिम्बा को समझा कर वापस जंगल की तरफ लौट ही रहा था कि तभी उसे एक काम याद आ गया। सिम्बा, मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, तुम यहाँ से सीधा गुफा पर जाना। ये कहकर बघीरा वहाँ से निकल लिया। सिम्बा गुफा की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसके चचा कांचा ने उसका रास्ता रोक लिया। रुको बेटा सिम्बा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें जंगल की पुरानी घाटी पर बुलाया है, आओ मेरे साथ। कांचा उसे बातों में फंसा कर वहाँ से लेकर चल देता है और राधे चीता के इलाके में पहुँच कर कांचा सिम्बा से कहता है, जाओ बेटा, तुम्हारे पिता यहीं पर हैं, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। कांचा वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर राधे चीता के सारे सिपाही आ जाते हैं और सिम्बा को चारों ओर से घेर लेते हैं। हट जाओ, पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। ओहो, बड़ा जोश है रे तुझमें, तू तो अपने बाप से भी आगे लगता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। चीता सिम्बा को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी बघीरा पीछे से राधे चीता के सारे सिपाहियों को उधेड़ता और फेंकता हुआ अपने बेटे तक आ पहुंचा और किसी तरह अपने बेटे को उठाकर वहां से निकाल लाता है और फिर अपनी गुफा पर पहुंचकर वह कुछ जानवरों को इकट्ठा करता है। भाइयों, मेरे इकलौते बेटे सिम्बा को मेरे ही सगे भाई ने मेरे दुश्मन को सौंप दिया था, वो अब खुली दुश्मनी पर उतर आया, ना जाने अब वो क्या क्या करेगा। बघीरा ये बोल रहा था कि तभी बघीरा का एक सेवक बहुत घबराया हुआ आया। महाराज, कांचा और राधे ने अपने सिपाहियों के साथ हमारे जंगल पर आक्रमण कर दिया है, उनके सामने जो भी आ रहा है वो सबको मार रहे हैं और उसने हमारे सारे सिपाहियों को भी मार डाला। सुनो भाइयों, कांचा और राधे की सेना बहुत बड़ी है और मैं अब इतना ताकतवर नहीं कि उनका सामना कर पाऊँ, इसीलिए तुम मेरे बेटे सिम्बा को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। तब बघीरा ने कुछ जानवरों को सिम्बा के साथ भेज दिया था और तभी वहाँ पर कांचा अपने सिपाहियों के साथ बघीरा की गुफा पर पहुँचा। साथियों, घेर लो इस बघीरा को और जंजीरों में जकड़ लो और ले जाकर सुनसान घाटी के अंदर फेंक दो, अब ये राजगद्दी मेरी हुई। तब कांचा के सिपाही बघीरा को पकड़ कर ले जाते हैं और कांचा जानवरों को बुलाकर सिंहासन पर चढ़कर कहता है, सिम्बा बघीरा नहीं रहे, अब मैं ही तुम्हारा महाराजा हूँ।
ये सुनकर जानवरों के चेहरों पर उदासी और दुख छा गया और अब सभी जानवर दुख और डर के साथ ही जीने लगे, क्योंकि अब काचा का खौफ जंगल में तेजी से दौड़ रहा था। जब वह जहाँ चाहता जानवरों को मार कर खा जाता। अब जैसे पूरा जंगल बदल सा गया था। उधर समय बीतता गया और सिम्बा उन्हीं जानवरों के बीच रहता हुआ जवान हो गया। एक बार सिम्बा अकेले पहाड़ी पर खड़ा था, तभी पीछे से सिम्बा का दोस्त कहता है, सिम्बा दोस्त, हमेशा याद रखना कि तुम कौन हो। तुम एक सच्चे राजा के पुत्र हो। समय आ चुका है जवाब देने का, तो तैयार हो जाओ वीरू। हम आज ही अपने जंगल के लिए निकलेंगे और अपना जंगल फतह करेंगे। तो ये थी 20 साल पुरानी कहानी और आज सिम्बा फिर से वापस लौटा। जंगल पहुंचकर सिम्बा को पता चलता है कि काली घाटी की पहाड़ियों के बीच काचा ने आज भी उसके पिता को बंदी बनाकर रखा है। तब रात के समय सिम्बा चुपके से उसी घाटी तक पहुंच जाता है और काचा के दोनों सिपाहियों को चुपके से मार देता है और अपने पिता को निकाल कर वहाँ से एक सुनसान जगह पर लाता है। सिम्बा को जवान देख बगीरा की खुशी का ठिकाना न था। मुझे मालूम था मेरा महान योद्धा सिम्बा जरूर आएगा। पिताजी, जरूरी काम अभी बाकी है, मुझे बताओ वो कांचा कहाँ मिलेगा। तब बगीरा ने सिम्बा को एक प्लान बताया और बोला, बेटा अब तुम यहाँ से जाओ और मैं अपने कैद खाने में जाता हूँ। तब बगीरा और सिम्बा ने अपना रास्ता बदल दिया। अगले दिन कांचा जब अपने सारे सिपाहियों के साथ टहलने के लिए निकला, तभी कांचा के पास एक बाघ मानव आया और बोला, महाराज महाराज, वो बगीरा कैद से छुटकर भाग गया है और हमारे दोनों सिपाही वहाँ पर मरे पड़े हैं। जल्दी चलो महाराज। और कांचा तुरंत बाघ मानव के साथ काली घाटी तक पहुँचा, लेकिन बगीरा तो वहीं था। और उधर सिम्बा ने वीर के साथ कांचा के सारे सिपाहियों पर हमला बोल दिया और उन्हें जान से मार डाला। और ये प्लान बगीरा और सिम्बा ने उसी रात किया था। आओ कांचा आओ, मेरा बेटा सिम्बा वापस लौट आया है और जब तक तुम अपने जंगल लौटोगे तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बच पाएगा। तुझे मैंने सालों से बचा कर रखा ताकि एक दिन तेरे बेटे के सामने तुझे मौत दे सकूं, और अब वो दिन आ गया है। तब कांचा बगीरा को लेकर सिपाहियों तक पहुंचा। उसने देखा उसका एक एक सिपाही मर चुका था। तूने सिम्बा ये अच्छा नहीं किया, इसके बदले मैं तुझे तेरे बाप की मौत दूंगा। ये कहकर कांचा अपने भाई बगीरा पर वार करने ही लगता है, लेकिन तभी वीर पीछे से कांचा पर एक भाले से वार करता है और कांचा का अंत कर देता है। सालों बाद बगीरा अपने बेटे को गले से लगाता है और फिर से आबाद होता है सिम्बा का जंगल। इस तरह सिम्बा ने अपनी जन्मभूमि को फिर से अपनाया और अपने जंगल को फिर से आबाद कर दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फ्यूचर में इंटरेस्टिंग अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।